हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अगर एशिया कप के टॉप कंटेंडर्स की बात करें तो पाकिस्तान की टीम उनमें से एक टॉप कंटेंडर है जो इस बार एशिया कप जीत सकती है, क्योंकि उनका स्क्वाड इस बार जो अनाउंस हुआ है वो बहुत ही बैलेंस नज़र आता है। चाहे बैटिंग की बात की जाए, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट देखें, चाहे फास्ट बॉलिंग देखें या ऑलराउंडर देखें, तो हर आस्पेक्ट ऑफ द गेम में पाकिस्तान की टीम में वो बैलेंस है और उनके पास वो प्लेयर नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के स्क्वाड का बारीकी से हम एनालिसिस करेंगे, उनकी 11 बनाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उनकी 11 बनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी 11 किस तरह से बन रही है, क्योंकि जब 11 बनेगी तभी पता चलेगा कि उनकी टीम कितनी स्ट्रांग दिख रही है और बैकअप्स किस तरह के नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग की बात की जाए तो ओपनिंग में इमामुल हक और फखर जमान, ये दोनों ओपन करने वाले हैं और इमामुल हक उनकी टीम को एट द टॉप सॉलिडिटी देते हैं और अभी तक जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनसे देखने को मिली है तो पाकिस्तान की टीम के लिए बड़े यूजफुल प्लेयर है। दूसरी तरफ फखर जमान, रिकॉर्ड्स इनके बहुत बेहतरीन है लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसा एस्पेक्ट रहता है जो इनकी तरफ से मिसिंग दिखाई देता है। लेकिन फखर जमान की एक खासियत है, जब पारियां खेलते हैं तो बड़ी पारियां खेलते हैं, इंपैक्टफुल पारियां खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलके बनता है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले प्लेयर हैं। एक तरफ इमामुल हक थोड़ा सा सॉलिडिटी देते हैं, दूसरी तरफ फखर जमान थोड़ा सा अग्रेसिव गेम खेलते हैं। सो पाकिस्तान की टीम की जो ओवरऑल अप्रोच रहती है, और उनको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो टॉप ऑर्डर में थोड़ा एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सामने वाली टीमों के लिए अगर आप फखर जमान को जल्दी आउट कर लेते हैं तो पाकिस्तान की टीम के स्कोरिंग रेट को आप जरूर कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर वनडे क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम, क्योंकि T20 क्रिकेट के उनके जो स्ट्राइक रेट रहे हैं उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन वनडे क्रिकेट में बाबर आजम एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आप उनके रिकॉर्ड्स देखिए, सेंचुरीज देखिए। सो वनडे क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में जिस तरह से पारी चलानी होती है, इनिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है और टीम को और गेम को आगे लेके जाना पड़ता है, वो एस्पेक्ट मुझे लगता है कि बाबर आजम बखूबी निभाते हैं। इसलिए बाबर आजम इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भी रहने वाले हैं। नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में एज ए ओपनर काफी सक्सेसफुल रहे, लेकिन वनडे क्रिकेट में 4 नंबर एक डिफरेंट तरह का चैलेंज है। यहां पर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एक बहुत बड़ी चीज रहती है कि नंबर 4 पर जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है तो उसको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी आना चाहिए, डिफेंसिव गेम भी बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ में एट बिल बड़े शॉट्स लगाने की भी बात आपको चाहिए होती है। तो अगर तीनों एस्पेक्ट्स पर देखें तो रिजवान खरे नहीं उतरते, बाकी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं रही हैं वनडे क्रिकेट में नंबर 4 पर जब बात की जाएगी। लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए जो सर्टेनिटी है नंबर 4, वो मोहम्मद रिजवान को ही देखने वाले हैं। नंबर 5 की बात की जाए, आगा सलमान, नया इनको अभी ट्राई किया जा रहा है वनडे क्रिकेट में और शायद टीम इनको ऐसे प्लेयर के रूप में देख रही है जो उनको नंबर 5 पर बल्लेबाजी देता है, साथ में गेंदबाजी का ऑप्शन भी दे सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी करके दिखाई थी। सो पाकिस्तान की टीम इनको इसलिए भी इस बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा रखने पर प्रेफरेंस दे रही है बिकॉज वो इनमें एक गेंदबाजी का ऑप्शन भी देखती है। बल्लेबाजी में अभी तक उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा कुछ बड़ा कारनामा नहीं किया है, टेस्ट क्रिकेट में हाँ फिर भी कुछ इंप्रेसिव पारियां उनकी तरफ से देखने को मिलती रही हैं। उसके अलावा नंबर 6 की बात की जाए तो इफ्तिकार, उनके पास एक्सपीरियंस जरूर है, डोमेस्टिक का हो इंटरनेशनल क्रिकेट का भले ही उतना लंबा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस उनके पास है और जो लॉजिक वहां पर नंबर 5 के बल्लेबाज के लिए जाता था कि आगा सलमान को एक एडिशनल गेंदबाज के रूप में भी टीम देख रही थी, वही चीज कहीं ना कहीं इफ्तिकार के रूप में भी आती है। लेकिन इफ्तिकार टीम के लिए क्या गेम्स फिनिश कर सकते हैं और इस टीम के फिनिशर हो सकते हैं, ये एक सवाल रहेगा बिकॉज नंबर 6 के बल्लेबाज की बल्लेबाजी बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आती है कि आपको बॉल बंद से बड़े शॉट्स लगाने होते हैं। सो इफ्तिकार कैन प्ले अ इनिंग जो इनिशियली उनको थोड़ा सा वक्त मिले और बाद में जाके एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन बॉल बंद से बड़े शॉट लगाना एक चैलेंजिंग चीज उनके लिए रहने वाली है। हाँ, ऑफ स्पिन गेंदबाजी में कॉन्ट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम को। उसके बाद नंबर 7 पर शादाब खान, आई थिंक शादाब खान इस टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी रहने वाले हैं, जो ऑलराउंडर्स इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी
के बीच को जोड़ने वाले हैं उसमें शादाब खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जब इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया के पास जो ऑलराउंडर्स हैं वो फिंगर स्पिनर्स हैं और बल्लेबाजी कर सकते हैं। पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि उनके पास एक लेग स्पिनर है जो बल्लेबाजी कर सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अटैकिंग गेंदबाज और साथ में बल्लेबाजी भी वो अटैकिंग कर सकते हैं। जो एस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देता है इफ्तिकार और आगा सलमान से, वो काम शादाब खान बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 की बात की जाए तो यहां पर आप नवाज को देखने वाले हैं, और नवाज एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है, अच्छे क्रिकेटर आप उनको कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा टेम्परामेंट भी इन्होंने दिखाया था इंडिया पाकिस्तान गेम जब हुआ था एशिया कप में पिछले साल, तो वहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी इन्होंने की थी, और साथ में अगर आप देखें गेंदबाजी भी अच्छा कंट्रोल है, गेंद को स्पिन कराते हैं, तो एक प्रॉपर स्पिनर आप कह सकते हैं, तो पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी ओवरऑल अच्छी नजर आ रही है। उसके बाद बच गए 3 तेज गेंदबाज, जिसमें से पहले तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, और शाहीन शाह अफरीदी नई गेंद के बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, विकेट लेने के मामले में भी बहुत जबरदस्त उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस रही है, और लेफ्ट आर्मर का जो एंगल वो देते हैं, और शुरू में सामने वाली टीमों के लिए लेफ्ट आर्मर का एंगल खेलना हमेशा चैलेंजिंग रहता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर वो हो सकते हैं। साथ में नसीम शाह की बात की जाए तो नसीम शाह भी बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, और दोनों गेंदबाजों के पास क्वालिटी है कि नई गेंद स्विंग कराने की और अच्छी पेस पर स्विंग कराने की, सो इन दोनों का जो पहला स्पेल होगा वो सामने वाली टीमों को ज्यादा चैलेंज देगा। उसके बाद नंबर 11 के प्लेयर उनके लिए बच जाते हैं, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ T20 क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन वनडे क्रिकेट में खास करके इस तरह के विकेट जो श्रीलंका में होंगे वहां पर कितना दम से गेंद डाल पाएंगे और अपने वेरिएशंस का कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, इस पर उनकी सक्सेस ज्यादा डिपेंड करेगी। तो ये तो उनकी 11 बन रही है, अब इस 11 में उनकी ताकत क्या है? ताकत की बात करें तो मुझे लगता है कि पहली ताकत उनके लिए शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो पहला स्पेल दोनों मिलकर डालेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर काबिलियत है नई गेंद को मूव कराने की, और स्पेशली अच्छी पेस पर 140, 142, 145 की पेस तक दोनों मिलकर गेंदबाजी करते हैं और नई गेंद को जो हरकत करा सकते हैं वो हमेशा किसी भी सिचुएशन में हो बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग होगा। और जिन टीमों ने इन दोनों का पहला स्पेल सरवाइव कर लिया वो टीमें पाकिस्तान की टीम पर हावी रहेंगी, अदरवाइज पाकिस्तान की टीम ने पहले स्पेल में विकेट निकाले तो पाकिस्तान की गेंदबाजी सामने वाली टीम पर जरूर हावी होती हुई नजर आएगी। उसके बाद दूसरी उनकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो स्पिन बॉलिंग में जो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, एक उनके पास लेग स्पिनर के रूप में शादाब खान का ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में आप देखेंगे नवाज का ऑप्शन है, बाकी जो बल्लेबाजी में आगा सलमान एक उनको स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन देते हैं, इफ्तिकार के रूप में उनको एक ऑफ स्पिनर मिल जाता है, तो स्पिन बॉलिंग में जो डेप्थ है कंसीडरिंग आप श्रीलंका में खेलने वाले हैं तो स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पार्ट टाइम स्पिनर्स का भी रोल बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब गेंद ब्रेक कर रही होती है उस वक्त पर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होता है, तो वो पाकिस्तान की टीम के पास मौजूद है, तो स्पिन डिपार्टमेंट में जो डेप्थ ओवरऑल नजर आ रही है वो बहुत बेहतरीन है। और याद रखिए एक और लेग स्पिनर उस्मा मीर इनके लिए बेंच पर एज ए बैकअप स्पिनर जरूर बैठे होंगे। उसके बाद अगली स्ट्रेंथ की इनकी बात की जाए तो बाबर आजम इन ओडीआई क्रिकेट बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, और मिडिल ओवर्स में उनका विकेट बहुत बड़ा प्राइस टैग जिस पर रहेगा, जो टीम उनको जल्दी आउट करेगी वो पाकिस्तान की टीम को जल्दी मुझे लगता है कि दबा सकती है, तो बाबर आजम एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान की टीम के लिए रहने वाले हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो इस टीम में ऑलराउंडर्स भी बेहतरीन है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि लेग स्पिनर जो इनके लिए बल्लेबाजी कर सकता है शादाब खान, सो वो थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में इनको एडवांटेज देता है कि इनको एक अटैकिंग स्पिनर भी मिल गया जो बल्लेबाजी कर सकता है, साथ में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी इनके पास है तो वो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो गेंद को टर्न कराता है, ब्रेक कराता है और साथ में अच्छी बल्लेबाजी भी करता है, और इंपॉर्टेंटली इनके पास जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, भले ही उन दोनों की 11 में जगह नहीं बनेगी ये शायद इनके लिए वीक पॉइंट रहेगा कि फहीम अशरफ की बात हो या मोहम्मद वसीम जूनियर की बात हो, दोनों की 11 में जगह नहीं बन पाएगी, ये इनके लिए वीकनेसेस भी है, बट स्क्वाड में ओवरऑल इनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। उसके अलावा इस टीम की अगर वीकनेसेस की बात की जाए सो मिडिल ऑर्डर शेकी नजर आ रहा है, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतरीन नहीं है,
आगा सलमान ने अपने आप को अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया है और इफ्तिकार इस टीम के फिनिशर हो पाएंगे उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत शेकी है। अगर आपने ऊपर से फखर जमान को जल्दी आउट कर लिया और बाबर आजम का विकेट निकल गया तो इस टीम में वो काबिलियत नजर नहीं आती जो 300 के पार का स्कोर बहुत आसानी से ये टीम बना सकती है। उसके अलावा इनकी दूसरी वीकनेस की बात की जाए सो स्पिनर्स के खिलाफ इनकी बल्लेबाजी। अभी अफगानिस्तान ने इनके मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज करके दिखाया था कि स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी किस तरह से स्ट्रगल करती है और इनके लिए स्पिनर्स को खेलना, क्वालिटी स्पिनर्स को खेलना एक बार फिर से एशिया कप में एक चैलेंजिंग चीज जरूर रहने वाली है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस इनके प्लेइंग 11 में लिमिटेड रहेंगे क्योंकि तीन ही फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ये खेल सकते हैं, चौथे को ये ऐड नहीं कर पाएंगे जिस तरह का इनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कुछ विकेट जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट में अगर है तो उस तरह के विकेट पर इनको चैलेंज आ सकता है क्योंकि चौथा फास्ट बॉलर ये अपने 11 में शायद मिस कर सकते हैं। और उसी में एक चीज और कि इनका जो फास्ट बॉलिंग का अटैक है नई गेंद के बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं, सेकेंड स्पेल में आके कौन विकेट निकाल सकता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क वाली चीज रहेगी। और साथ में आप उसी में ऐड कर दीजिए इनकी डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट इनमें से कोई नहीं है। हारिस रऊफ जरूर अच्छा गेंद डाल सकते हैं लेकिन रीसेंट पास्ट में उनका भी स्ट्रगल आपको देखने को मिला है। अभी इवन जो अफगानिस्तान के खिलाफ वो खेल रहे थे वहां पर उन्होंने ऊपर से जब गेंदबाजी की तो 5 विकेट जरूर लिए लेकिन डेथ गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की टीम के लिए ऐसा कोई गो टू बॉलर नहीं है जो डेथ में बहुत बेहतरीन गेंदबाज हो। अगर आप साइंस अफरीदी को भी देखेंगे तो लास्ट के ओवर्स में उनको भी बहुत बार कुट पड़ी है, नसीम शाह उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ले दे के वो हारिस रऊफ ही बचते हैं जिन पर पाकिस्तान की टीम ज्यादा डिपेंड करेगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल पाकिस्तान के स्क्वाड का एनालिसिस। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।